देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव नगर के मध्य में स्थित एकमात्र तालाब में पिछले 3 माह से जलकुंभी ने अपना आशियाना बना रखा है। जलकुंभी के कारण खातेगांव नगर के मध्य स्थित तालाब की सुंदरता का कार्य रोका गया। खातेगांव का बरसों पुराना एकमात्र तालाब, जो कि खातेगांव नगर के सभी जल स्रोत एवं नलकूपों को गर्मी के दिनों में भी जीवित रखता है, जिससे गर्मी के दिनों में भी जलपूर्ति नहीं रहती, लेकिन पिछले 3 माह से तालाब को जलकुंभी में अपना शिकार बना रखा है। जलकुंभी के प्रकोप से पूरा तालाब गिरा हुआ है। नगर परिषद अमला तालाब से जलकुंभी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पार्षद संयुक्त रूप से तालाब की जलकुंभी को शीघ्र निकाल कर पुनः तालाब को अपने मूल रूप में लाने का सतत प्रयास में है। बड़ी संख्या में नाविकों का दल एवं तालाब में जलकुंभी निकालने वाले मजदूर जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर ट्राली से तालाब में जलकुंभी को निकालकर बाहर करने में जुटे हुए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष नीलेश जोशी ने बताया कि तालाब का सौंदर्यीकरण 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। बहुत कार्य करना है, तालाब सौंदर्यीकरण नगर परिषद का प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन कुछ कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। इस तालाब में जलकुंभी कहां से आई? आज तक कभी इस प्रकार की जलकुंभी इस विशाल तालाब में नहीं हुई, लेकिन जैसे ही तालाब सौंदर्यीकरण का विकास कार्य किया गया और जलकुंभी ने अपना डेरा तालाब में जमा ही लिया। खातेगांव से प्रवीण गंगराड़े की रिपोर्ट। इसमें विरोधाभास या राजनीतिक चर्चाएं नहीं होना चाहिए। ये एक नगर का बहुत बड़ा विकास है। हालांकि ये जलकुंभी कहाँ से आई, कैसे आई, ये तो हमें भी पता नहीं है। ये जलकुंभी होने से नगर परिषद का जो विकास की गति थी उसमें कम से कम 1 से 1.5 या 2 महीने के लगभग परिषद पिछड़ चुकी है इस काम में। अगर इसमें नहीं लगती तो अब तक पूर्णतः लगभग लगभग तालाब का सौंदर्यीकरण हो जाता। इसमें कोई राजनीतिक व्यवस्था से हम लोग परिषद से कोई पक्षपात या इसकी वो नहीं करते। हम भी साथ में हैं कि नगर का विकास हो। नगर में जो हमारा मध्य में तालाब है, जो पूरी परिषद ने और पूर्व परिषदों ने भी जो एक सपना देखा था, हम सब मिलकर उस सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हैं और बहुत ही जल्द से जल्द हम इस तालाब को बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण करके नगर को बहुत बड़ी सौगात दें। ठीक, धन्यवाद। पूरा मामला आप सब लोगों के संज्ञान में है। हमारे खातेगांव के तालाब में कभी भी जलकुंभी नहीं हुई। क्या कारण है कि हमारे द्वारा जो है यहाँ पर परिषद द्वारा जो है तालाब सुंदरीकरण का कार्य शुरू किया गया और अचानक ही तालाब में इतनी अधिक संख्या में जलकुंभी उग्र रूप में हो गई? आप भी समझते हैं, आप भी यहीं नगर पर ही रहने वाले हो। किसी ने जो है दुर्भावना के बस जो है ताकि परिषद का नाम खराब हो, या जलकुंभी यहाँ पर ला करके डाली थी ताकि काम में व्यवधान उत्पन्न हो सके। हमारी परिषद द्वारा, हमारे संपूर्ण पार्षदों के द्वारा जो अच्छा कार्य नगर के विकास में किया जा रहा था, हम सबका नाम खराब करने के लिए किसी ने कार्य किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम शुरू से ही, जब से जलकुंभी शुरू हुई थी तब से ही हमने जो है अपने 4 नाविकों को बुला करके नेहबावर से और नाविकों के साथ हमने यहाँ पर टीम को लगाया था, लेकिन 3-4 दिन में सफाई करने के बाद में भाग गए कि हमसे सफाई नहीं होगी। फिर हमने जो है हमारे ये दूसरे ठेकेदार को जो है यहाँ लेकर आए हैं और तब से लेकर अब तक यहाँ पर पूरे संसाधनों के साथ जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। विगत 15 दिन से जो है जलकुंभी निकालने का कार्य यहाँ पर जारी है और अगले 8 दिन में हम जलकुंभी से मुक्त इस तालाब को कर देंगे। वो तालाब सौंदर्यीकरण की जो हमारी नगर परिषद की जो मंशा है और जो हमारा स्वप्न है, वह निश्चित ही विगत 2 महीनों के अंदर अंदर हम जो है उसे जो है प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। और 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर जो है तालाब में हम सुंदर सी बोट और फुब्बारे के साथ में पूरा ही तालाब सौंदर्यीकृत कर दिया जाएगा। जलकुंभी के कारण कितना लेट हुआ विकास कार्य? जलकुंभी के कारण जो है कम से कम ये मान के चले कि 1 महीने जो है हम पीछे चले गए, क्योंकि जो विकास कार्य हम यहाँ पर करने वाले थे उसे रोक करके हमें यहाँ पर ही जलकुंभी निकलाना पड़ रहा है। देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव नगर के मध्य में स्थित एकमात्र तालाब में पिछले 3 माह से जलकुंभी ने अपना आशियाना बना रखा है। जलकुंभी के कारण खातेगांव नगर के मध्य स्थित तालाब की सुंदरता का कार्य रोका गया।